वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल ऑल टेक ट्यूटोरियल्स और आप हैं हुसैन के साथ। गाइस ये हमारी HTML टेक ट्यूटोरियल की हिंदी उर्दू सीरीज चल रही है और आज हम पढ़ेंगे रूबी टैग। तो आइए चलते हैं। वेलकम बैक। रूबी टैग किसी टेक्स्ट के लिए एनोटेशन स्पेसिफाई करता है और एनोटेशन का मतलब होता है स्मॉल टैग्स। हॉरिजॉन्टल टैग्स में यह टैग्स छोटा होकर मेन टैग्स के ऊपर आता है और वो क्या करता है, मेन टैग्स का मतलब समझाने के लिए या फिर यूं कहिए कि उसकी फुल फॉर्म बताने के लिए या फिर अल्फाबेटिक एनालिसिस समझाने के लिए और या फिर उस टैग्स के सही प्रोनाउंसिएशन करने के लिए भी यूज किया जाता है। और सही प्रोनाउंसिएशन करने के लिए इसको ज्यादातर ईस्ट एशियन लैंग्वेज में यूज किया जाता है, जैसे जापानीज, कोरियन, चाइनीज एटसेट्रा। रूबी टैग एक इनलाइन एलिमेंट होता है और यह टैग दूसरे टैग्स के लिए एक कंटेनर की तरह काम करता है। जैसे कि इसमें दो टैग और यूज होते हैं, एक तो है आरबी और दूसरा है आरटी। आरबी मींस रूबी बेस, उसमें क्या होता है, जो मेन टैग्स होता है उसको हम रखते हैं, और दूसरा होता है आरटी। आरटी मींस रूबी टैग्स, और जो हमें उसकी इंफॉर्मेशन देनी हो या फुल फॉर्म देनी हो वो अगर टैग्स रखना हो तो वो हम रखते हैं आरटी में, रूबी टैग्स में। तो आइए हम करके देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। तो गाइस ये एक HTML डॉक्यूमेंट खुला हुआ है और इसका रिजल्ट हम यहाँ देखेंगे गूगल क्रोम में। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइस मैंने सबसे पहले एक टेक्स्ट लिख लिया यहाँ पर, आई एम इस्तकार हुसैन फ्रॉम इंडिया, आई एम अ टीचर ऑफ ग्राफिक एंड वेब, माय यूट्यूब चैनल इज ATT, you can find here any type tutorial free। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा पूरा और लिखने के बाद मैं इसको सेव करता हूँ और सेव करके यहाँ रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए ये पूरा लिखा आ गया। अब यहाँ पर एक चीज आप देखें, यहाँ पर मैंने लिखा ATT। अब ये क्या है इसे मैं समझाना चाहता हूँ किसी को कि ये क्या है। तो ATT जो है इससे पहले मैं रूबी टैग लगाता हूँ। देखिए ATT से पहले मैं लगाता हूँ रूबी। यहाँ पर आए मैं आपको समझाने के लिए ऐसे थोड़ा सा नीचे यहाँ ला रहा हूँ और यहाँ पर लगा दिया मैंने रूबी टैग। रूबी टैग को मैं यहाँ बंद नहीं कर रहा, मैं ATT के बाद बंद करूंगा। यहाँ पर देखिए इसके बाद मैंने यहाँ पर बंद कर दिया रूबी टैग। अब रूबी जो है इसके इसको हम लिखेंगे आरबी में, क्योंकि ये मेन है तो हमने लिख दिया यहाँ पर आरबी रूबी बेस, और इसके बाद हमने इसे बंद कर दिया यहाँ पर रूबी बेस को। और इसके बाद में हम लिखते हैं इसकी फुल फॉर्म, तो हमने लिख दिया आरटी लिखा, और आरटी के अंदर आरटी को मैंने बंद कर दिया और यहां पर लिख दिया ऑल टाइप ट्यूटोरियल्स, और इसको हमने सेव किया। और सेव करके जैसे ही हम रिफ्रेश करके यहां देखते हैं तो देखिए यहां पर ATT के ऊपर देखिए छोटा सा टैक्स स्मॉल टैक्स आपको दिख रहा होगा, ऑल टाइप ट्यूटोरियल। तो ये रूबी टैग से पॉसिबल है कि ये आप एनोटेशन बना सकें। तो आप जैसे ये तो होगी देखो एक आपकी फुल फॉर्म, ऐसी आप कोई इंफॉर्मेशन लिखना चाहें, लाइक मैं यहां पर जैसे मान लीजिए यहां होता ऑल टाइप ट्यूटोरियल, ऑल टाइप ट्यूटोरियल्स ये होता, तो आप इसको लिखते हैं कि भाई ये क्या है। तो इसके बारे में अगर इंफॉर्मेशन लिखना चाहें तो आप यहां पर लिख सकते हैं। आप लिख दें जैसे कि इट इज अ यूट्यूब चैनल, ये आपने लिख दिया इट इज अ यूट्यूब चैनल। और फिर मैं इसको सेव करता हूं और सेव करने के बाद में हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहां पर लिखा रहा है ऑल टाइप ट्यूटोरियल, इसके ऊपर लिखा रहा है इट इज अ यूट्यूब चैनल। तो गाइस इस तरह से काम करता है रूबी टैग। तो हमने यहां पर पढ़े तीन टैग, एक हमने पढ़ा रूबी, दूसरा पढ़ा आरबी और तीसरा पढ़ा आरटी। तो गाइस इस ट्यूटोरियल में इतना ही। कैसा लगा आपको ट्यूटोरियल, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और गाइस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।